Good evening, all my learner. In this video, we will learn about the use of may with second person pronoun. आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम देखेंगे कि may का इस्तेमाल second person pronoun के साथ कैसे किया जाता है, जिसको हम you, you, your. पुराने इंग्लिश में इसको दाऊ दाई दाइन कहते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में यू यू योर। तो जब मे का इस्तेमाल सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ होता है तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति को पहले से अनुमति प्राप्त है, फर्स्ट पर्सन के साथ अनुमति लेने के लिए और सेकंड पर्सन के साथ अनुमति देने के लिए, मतलब सामने वाले को अनुमति प्राप्त है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में यू होगा, फिर मे आएगा, वी वन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलिए कुछ एग्जांपल की ओर देखते हैं। तुम जहां चाहे वहां जा सकते हो, मतलब तुम्हें हर जगह जाने की इजाजत है। ऐसे सेंटेंस ही हमारे इस टॉपिक पे आएंगे। यू मे गो एनीवेयर और यू मे गो वेयर एवर यू वांट। तुम जो चाहे वो लिख सकते हो। यू मे राइट एनीथिंग और यू मे राइट व्हाट एवर यू वांट। तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो। यू मे आस्क एनीथिंग और You may ask whatever you want. तुम कोई भी फिल्म देख सकते हो। You may watch any film. तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। You may call me at any time. तुम मेरे पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। You may use my pen. तुम मेरे बगल में बैठ सकते हो। You may sit beside me. तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। You may call me At any time. तुम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो। You may live anywhere in India. आप जो चाहे वो कर सकते हैं। You may do whatever you want. आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। You may friendship with anyone. तुम किसी को भी अपने घर में आमंत्रित कर सकते हो। You may invite anyone at your home. तुम किसी भी कॉलेज में प्रवेश ले सकते हो। यू मे टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज। तुम मुझे कभी भी पत्र लिख सकते हो। यू मे राइट मी अ लेटर व्हेनेवर यू वांट। आप किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे यूज एनी पेन। आप कोई भी कार चला सकते हैं। यू मे ड्राइव एनी व्हीकल। तुम किसी भी शहर में निवास कर सकते हो। यू मे लिव इन एनी सिटी। तुम कोई भी भाषा सीख सकते हो। यू मे लर्न एनी लैंग्वेज। तुम कभी भी इस पत्र को पढ़ सकते हो। यू मे रीड दिस लेटर व्हेन एवर यू वांट। तुम जो चाहे वो लिख सकते हो। यू मे राइट व्हाट एवर यू वांट। तुम जिस भाषा में चाहो उस भाषा में पढ़ा सकते हो। यू मे टीच इन एनी लैंग्वेज। तुम दुनिया के किसी भी देश में निवास कर सकते हो। यू मे लिव इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी समय राहुल को बुला सकते हैं। यू मे कॉल राहुल एट एनी टाइम। तुम कभी भी मेरा कंप्यूटर ले सकते हो। You may take my computer at any time. आप कुछ भी सुना सकते हैं। You may tell anything. आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। You may ask whatever you want. तुम जब चाहे तब मेरे घर आ सकते हो। You may come my home at any time. तुम जो चाहे वो मुझे पढ़ा सकते हो। You may teach me whatever you want. तुम किसी भी सैलून में अपने बाल कटवा सकते हो। You may cut your hair in any salon. आप मुझे कोई भी कहानी सुना सकते हैं। You may tell me any story. आप किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। You may translate any sentence in English. आप कभी भी बस से यात्रा कर सकते हैं। You may travel by bus at any time.
आप लॉकडाउन में घर में रह सकते हैं. यू मे लिव एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन. आप कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं. यू मे परचेज एनी मोबाइल. आप किसी के साथ कॉलेज जा सकते हैं. यू मे गो टू कॉलेज विथ एनी वन. आप मेरी लाइब्रेरी से कोई भी पुस्तक ले सकते हैं. यू मे टेक एनी बुक फ्रॉम माय लाइब्रेरी. आप मेरे सामने किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं. यू मे टॉक इन एनी लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ मी. आप जब चाहे तब मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं. यू मे आस्क मी क्वेश्चंस व्हेनेवर यू वांट. आप कोई से भी टेलीविजन खरीद सकते हैं. यू मे परचेस एनी टेलीविजन. आप बिग बाजार से कुछ भी खरीद सकते हैं. यू मे परचेस एनीथिंग फ्रॉम बिग बाजार. आप किसी से भी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं. यू मे टॉक इन इंग्लिश विद एनी वन. आप किसी के साथ भी बॉम्बे जा सकते हैं. यू मे गो टू बॉम्बे विद एनी वन. आप कोई सा भी पंखा खरीद सकते हैं. यू मे परचेस एनी फैन. आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं. यू मे टॉक इन इंग्लिश मोर एंड मोर. आप जहां चाहे वहां घर खरीद सकते हैं. यू मे परचेस हाउस वेर एवर यू वांट. आप किसी भी शहर में जमीन खरीद सकते हैं. यू मे परचेस लैंड इन एनी सिटी. आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं. यू मे टेक एडवाइस फ्रॉम एनी डॉक्टर. आप किसी भी कंट्री से पेन आयात कर सकते हैं. यू मे इम्पोर्ट पेन फ्रॉम एनी कंट्री. आप कोई सी भी एसी खरीद सकते हैं. यू मे परचेस एनी एसी. आप मुझसे गणित का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं. यू मे आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स. आप मुझसे सोशल स्टडीज का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं. यू मे लर्न एनी चैप्टर ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम मी. आप बिलासपुर के किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं. यू मे टेक एडमिशन इन एनी स्कूल ऑफ बिलासपुर. आप सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं. यू मे टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल. आप मेरी वीडियो को फिर से देख सकते हैं. यू मे वॉच माई वीडियो वंस अगेन. आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं. यू मे एडिट दिस वीडियो. आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं. यू मे वॉच दिस वीडियो मैनी टाइम. आप किसी भी गाने में नृत्य कर सकते हैं. यू मे डांस इन एनी सॉन्ग. आप किसी भी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा सकते हो. यू मे टीच एनी स्टूडेंट प्रॉपरली. आप किसी भी कॉलेज में लेक्चर दे सकते हो. यू मे डिलीवर योर स्पीच इन एनी कॉलेज. आप किसी भी भाषा को पढ़ा सकते हो. यू मे टीच एनी लैंग्वेज. आप उर्दू से एमए कर सकते हो. यू मे डू एमए इन उर्दू. आप भारत के किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं. यू मे टीच इन एनी स्कूल ऑफ इंडिया. आप किसी को भी अंग्रेजी सिखा सकते हैं. यू मे टीच इंग्लिश टू एनी वन. आप किसी के भी सामने आसानी से व्याख्या कर सकते हैं. यू मे एक्सप्लेन इजिली इन फ्रंट ऑफ एनी वन. तो इस तरीके से आप मे का इस्तेमाल इस वीडियो में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से जो है समझा सकूं. बहरहाल अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल वसीमुल्ला खान गारंटेड कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और मेरी देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी अंग्रेजी कुछ समय के पश्चात लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. बट फॉर स्पीकिंग यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, द मोर यू यूज द मोर यू गेट मास्टरी ओवर लैंग्वेज. एंड इंग्लिश इज नॉट सॉर्ट ऑफ एज वी द स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज वेरी टफ, वी कांट स्पीक. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू लिसन, इफ यू क्रिएट एटमॉस्फेयर, इफ आई कैन स्पीक व्हाई कांट यू, दैट शुड बी द मोटो.
So thank you so much for watching this video carefully and giving me your valuable time. See you in next video.